हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली बहुत ही शुभ हो, बहुत ही खुशियों से भरी हो, बहुत ही प्रॉस्परस हो, समृद्धि भरी हो, यही कामना करते हुए आज का एक छोटा सा लाइव मैं आपको दीपावली का रियल मीनिंग हेल्थ केयर के सेंस में बताने की कोशिश करने के लिए लाइव आ रहा हूँ। सबसे पहले दीपावली में भी आज सबसे महत्व का दिन है भाई दूज का, सो आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को एक दूसरे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दीपावली का ये त्योहार आप बहुत एंजॉय करें, आप बहुत मजे में एंजॉय करें, ऐसी कामना करता हूँ इस भाई दूज के अवसर पर। So, आप लोग सब जानते हैं कि दीपावली 5 दिनों की होती है और सब लोग बहुत उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं पूरे देश भर में। इवन देश के बाहर जहाँ भी हिंदू कम्युनिटीज है वहां पर दीपावली का त्योहार बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। अब देखिए, दीपावली का त्योहार बहुत जोर शोर से मनाया जाता है तो मैंने एक ऐसे ही कोशिश की लोगों से पूछने की कि दीपावली का त्योहार एग्जैक्टली क्यों मनाया जाता है। तो एवरेज आंसर सबको पता है कि ये तो कुछ लोग कहते हैं कि राम की वापसी है जीत करके, या लंका दहन, दोनों के बारे में कहा जाता है। तो ये मिक्स प्रतिक्रिया होती है, करीब करीब सभी सही है। लेकिन मैं आज दीपावली का आपको एक हेल्थ केयर के अनुसार क्या मीनिंग हो सकता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा ये वीडियो आप आखिर तक देखें ताकि ये हेल्थ केयर का मैसेज, दीपावली सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं लेकिन खुद की जिम्मेदारी हर कोई नहीं लेता। अगर हम यही मैसेज दीपावली के द्वारा दे सके तो शायद आप में से या आपके द्वारा कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाए। तो चलिए, छोटा सा मैसेज मैं शेयर करना चाहूंगा दीपावली के बारे में। दीपावली है खुशियों का त्योहार, दीपावली है सेलिब्रेशंस। क्यों हम सेलिब्रेशंस को वो पास्ट इतना पुराना एक इवेंट के लिए ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, क्यों नहीं हम उसे रियल और डिफरेंट और न्यू मीनिंग्स देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि 200 साल पहले, 300 साल पहले, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले कुछ हुआ है उसे हम आज सेलिब्रेट करें, उसकी जगह ऐसा कोई हम गोल क्यों नहीं रखते। वो गोल अभी के लिए रिलेवेंट, आपके लिए रिलेवेंट, आपके जिंदगी के साथ रिलेवेंट, आपके स्वास्थ्य के लिए रिलेवेंट हो, ऐसा एक गोल रखिए, उसे एक साल में अचीव कीजिए। और इस सेलिब्रेशन, दिवाली के सेलिब्रेशन के साथ साथ आपके अचीवमेंट के सेलिब्रेशन को एक बेहतरीन अंदाज में हर साल सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे हम क्यों नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। सी, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हम उस कल्चर्स को एक रियल सेंस में, प्रैक्टिकल सेंस में वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो मेन कल्चरल इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है और वो एक महज सेलिब्रेशन रह जाता है। जैसे कि यहाँ मैं बोलना चाहूंगा आपको, आप 26 जनवरी देखिए, 15 अगस्त देखिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज एक पैट्रियोटिक जो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उस भावना से क्या सही में होता है, सोच के देखिए। जी हाँ, आज एक 50% लोग उसे हृदंग मनाने का दिन मानते हैं, जो बाइक तेजी से चलाते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं, हॉर्न तेजी से बढ़ाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, हॉलिडे समझा जाता है उसे, घूमते हैं, गार्डन में जाते हैं, देन तालाब में, समुन्द्र में, यहाँ वहां सब घूमने जाते हैं, कहाँ देशभक्ति है। तो दोस्तों, अगर सही में आपको लगता है कि ये दिन अपने मीनिंग्स को बरकरार रखे तो उसे लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में भी ऐड करना चाहिए। यही कॉन्टेक्स्ट मैं दिवाली के लिए आपको देने जा रहा हूँ। दीपावली का त्योहार अगर एक लाइन में कहा जाए तो यह है बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं परसों ही बच्चों से बात कर रहा था तो मेरे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि पापा ये दिवाली मतलब क्या, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो मैंने कहा बेटा, उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आपको। तो उन्होंने कहा हाँ पापा पूछिए। तो फिर मैंने पूछा कि राम और रावण दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन था, राम और रावण में से ज्यादा बुद्धिमान कौन था।
ऑब्वियस के आंसर है राम, लेकिन बुद्धिमान राम नहीं थे ज्यादा, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा विद्या अर्जित, ज्यादा नॉलेज गेन किए करने वाला पर्सन उन दोनों में रावण थे। सो राम और रावण में ज्यादा विद्या, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा तपस्या, ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में करने वाला कोई था तो रावण, असीम विद्या के मालिक रावण। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको पूछा कि फिर ताकतवर, अगर हम ताकत की, फिजिकल ताकत की बात की जाए तो ज्यादा शक्तिशाली बलशाली कौन था? देन उनको लगा कि अब तो शायद कुछ डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा कि रावण। मैंने यस, अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, ज्यादा शक्ति की बात करें, तो ज्यादा बलशाली अगेन रावण। लेकिन फिर भी रावण की हार हुई, क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति गलत थी। जो प्रवृत्ति होती है ना, वो आपको आगे लेके जाती है। इसलिए कहा जाता है, आप अंदर से सच्चाई लिए हुए आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत दूर जा सकते हैं, और आप अंदर में सच्चाई नहीं है तो आपको रोकने वाला कोई ना कोई राम जरूर आ जाएगा, कोई ना कोई राम जरूर आ जाएगा। सो ये, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि बुद्धिमान और कम बुद्धिमान में लड़ाई थी, ये नहीं कहा जाता है कि बलशाली शक्तिशाली में लड़ाई थी, ये कहा जाता है कि ये अच्छाई की बुराई पर जीत है, बुरी प्रवृत्ति आखिर में हमेशा हारती है। चलिए अब ये आपके लाइफ में आप अप्लाई कीजिए, लेकिन साथ में हेल्थ केयर में अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। बीमारी वही बुरी प्रवृत्ति है, क्या लगता है आपको बीमारी शक्तिशाली है कि नहीं है? मोस्ट ऑफ आप बोलेंगे हाँ बीमारी शक्तिशाली है, और हम उससे निजात नहीं पा रहे हैं, हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, दवाइयां उसको खत्म नहीं कर पा रही है, तो बीमारी तो बलशाली है, शक्तिशाली है। क्या लगता है आपको बीमारी इजीली जाएगी? नहीं जाएगी, बिकॉज उसने भी अपने रूट्स, अपने मूल डीप रखे हुए आपके बॉडी के अंदर। तो फिर भी क्या हम बीमारी को हरा सकते हैं? यस, हम बीमारी को हरा सकते हैं, क्योंकि बीमारी फाइनली एक बुरी प्रवृत्ति है, एक बुरी प्रवृत्ति है, एक हमारे बॉडी का इम्बैलेंस है, हमारी बॉडी की डिस्टर्ब हार्मनी है, हमारे बॉडी के अंदर में होने वाली गड़बड़ है। सो ये बुरी प्रवृत्ति है, क्यों नहीं आप, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी हेल्थ स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है, क्यों नहीं आज आप एक प्रण करते, अगले साल इसी दिन मतलब आप दिवाली वाला दिन पकड़ सकते हैं, दशहरा वाला दिन पकड़ सकते हैं, आपका चॉइस, अगले साल इस दिन मैं अपनी बीमारी पर विजय को सेलिब्रेट करूंगा। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी बीमारी को विजय में, अपनी बीमारी पर जीत को सेलिब्रेट करने का दिन क्यों नहीं तय कर सकते? सोच के देखिए। जी हाँ, कर सकते हैं। आपकी बीमारी की, आपकी बीमारी पे जीत का दिन, यस, सोचिए कितना मजा आएगा इसे सेलिब्रेट करने में। जी हाँ, आप दिवाली जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा, उसके साथ साथ अगर ये भी सेलिब्रेट कर सके तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए ये दिन इंपॉर्टेंट डे रहेगा। क्या कहते हैं आप? बीमारी पर आपकी जीत, बुराई पर आपकी अंदर की ताकत, अंदर की विल पावर, स्ट्रेंथ, राइट डिसीजन मेकिंग की जीत का जश्न भी आप मना सकते हैं। और यही मैसेज मैं देना चाहता हूं कि दिवाली मनाइए, जोर शोर से मनाइए, लेकिन उसमें अपना एक पर्सनल गोल ऐड कीजिए, स्वास्थ्य का गोल ऐड कीजिए, बाकी चर्चा करने का ये सही समय नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रण लेते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं और मेरी पूरी टीम जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वर्क करती है आपके साथ है। अगर आप आपकी बीमारी पर जीत हासिल करके इसे जश्न में बदलना चाहते हैं, अगली दिवाली को आप अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, तो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जितना ज्यादा लोगों तक आप ये शेयर करेंगे, आप ये दिवाली का एक नई दिवाली का एक नया मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मुझे पता है मैक्सिमम लोग आज दिवाली के जश्न में होंगे,
भाई दूज के जश्न में होंगे और बहुत सारा प्यार और सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्या इस सेलिब्रेशन और प्यार और भाई और बहन के असीम प्रेम के बंधन में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वास्थ्य को निग्लेक्ट कर रहे हैं? स्वास्थ्य को निग्लेक्ट मत कीजिए, आज एंजॉय कर लीजिए, कल कमेंट कीजिए, कल शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए ताकि दिवाली का एक और मतलब मिल जाए, ताकि दिवाली का एक और मीनिंग आपके लाइफ में ऐड हो जाए और आपकी लाइफ के साथ साथ आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होते जाए। और अगली दिवाली आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए कि सर मैंने पिछली दिवाली प्रण किया था, इस दिवाली मैं अपनी गोलियां आधा कर चुकी हूँ या गोलियां आधी हो चुकी है, मेरी बीमारी भी कम हो चुकी है, आई एम फीलिंग मोर हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड यंग। यस, आप ऐसा कर सके वो सही मायने में आपकी दीपावली होगी, आपका जश्न होगा, आपका सेलिब्रेशन होगा और आपका पूरा परिवार और एडवांस हेल्थ का सारा परिवार इस जश्न में आपके साथ होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से प्यार भरा सपोर्ट देने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस आप तक पहुंच जाए और आप इसे लोगों तक पहुंचा सको, शेयर कर सको। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर तो डेफिनेटली करना ही चाहिए, बिकॉज इस तरह के थिंकिंग की पूरे देश को ही नहीं पूरे दुनिया को जरूरत है। नहीं तो हम बस खोखले सेलिब्रेशन करते जाएंगे रियल लाइफ मीनिंग न देते हुए, उसका मीनिंग धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर आप देखेंगे पहले जिस लेवल से 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता था आज नहीं मनाया जाता, पहले जिस लेवल से जिस भावना से दीपावली का जश्न मनाया जाता है आज नहीं मनाया जाता। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे त्योहार रेलेवेंट रहने चाहिए, ये जश्न बरकरार रहना चाहिए? तो इस तरह के थॉट प्रोसेस को, इस तरह के थिंकिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के इन त्योहारों को रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूटिलाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।